जैनपुर कोतवाली के नरेपुर ग्राम में शनिवार की रात एक विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मृतका के भाई शैलेंद्र यादव ने दहेज के लिए हत्या किए जाने का आरोप लगाते हुए कोतवाली में रविवार को तहरी दी। फॉरेस्टिक टीम मौके पर पहुंचकर मौत के तथ्यों की जांच कर रही है। अर्चना यादव पुत्री राजमन यादव 24 वर्षीय निवासिनी ग्राम काशी सात थाना जहानागंज की शादी 28 मई 2023 को सनी यादव पुत्र सुभाष यादव निवासी नरेपुर कोतवाली जैनपुर के साथ हुई थी। शादी के बाद अर्चना 8 दिन के लिए ससुराल आई थी। 8 दिन बाद विदा होकर मायके वापस चली गई। 15 जून को गवना में अपने ससुराल आई। शनिवार को रात में संदिग्ध परिस्थितियों में उसकी मौत हो गई। रविवार को सुबह ससुराल पहुंच के लोगों ने मौत की जानकारी अर्चना यादव की मां को दी। इसकी जानकारी होते ही मृतका के मायके से काफी संख्या में लोग नरेपुर पहुंच गए। मायके के लोगों को मृतका के ससुर सुभाष ने बताया कि अर्चना ने रात में दुपट्टे से लटक कर आत्महत्या करी। जानकारी होते ही मौके पर चौकी प्रभारी लालघाट जाफर खान भी पहुंच गए और पंचनामा बनाकर सबको कोतवाली ले गए। जैनपुर कोतवाली में तहरीर देकर अर्चना यादव के भाई शैलेंद्र यादव ने कहा कि ससुराल पक्ष के लोग मोटरसाइकिल और 1 लाख रुपया दहेज की मांग को लेकर मेरी बहन को अक्सर प्रताड़ित किया करते थे। दहेज के चलते ही शनिवार को ही रात उसे मारकर दुपट्टे से लटका दिया गया। प्रभारी निरीक्षक विवेक कुमार पांडे ने बताया कि मृतका के ससुर और उसके पति को पकड़ा गया। पूछताछ के बाद विधिक कार्रवाई की जाएगी। आप उनके मतलब भाई हैं? क्या नाम है आपका? शैलेंद्र यादव। क्या हुआ था, क्या मामला क्या हुआ? मतलब अंदर ही अंदर उन लोगों को मतलब बोल रहे थे कई दिन तो कि हम छोड़ दे, मतलब अब तो के ना रखा वैसी कर दे वैसी कर दे, तब मतलब वह बोलते थे लोग बार बार। फिर जब हम लोग कहा छोड़ दे बालोग तो कह रहे थे कि अरे ना ही होके कह जला तेन डरवावल जला कि मतलब अथू कह दे। फिर मतलब कोई गाँव का ही है कोई अगुआ मतलब नहीं मतलब उनके छोटे भाई की मतलब शादी करवा रहा था, वह बोल रहा था कि मतलब जो बड़ा लड़का है उसे कुछ मतलब वह लोग मतलब कुछ दिए ही नहीं है, मतलब दहेज का भी मतलब अंदर ही अंदर मतलब उसे कोसा जा रहा था। वह पूरा बात नहीं कर पा रही थी क्योंकि हमेशा चारों तरफ हमेशा उसके सभी लोग रह रहे थे। तो आज कैसे आप लोग को जो कि मालूम पड़ा कि वो जो कि हाँ तो वही फोन किए थे लोग, पहले भैया के यहाँ किए फिर मेरे आगे क्या मतलब मेरे यहाँ किए थे। ठीक। अच्छा भैया आपका नाम क्या है? सर हमारा नाम दीपक यादव, हम कार्य साथ के रहने वाले हैं। हमारे यहाँ की एक बच्ची थी, यहाँ पे उसका विवाह हुआ था और बच्ची को के साथ 1 साल से शादी हुई थी। 1.5 साल की बच्ची के बार बार ये दहेज मांगने की परंपरा चल रही थी। हाँ ये लोग बातों को दोहराते थे, गरीब माँ बाप थे, जितना सा पड़ता था उतना दे देते थे, लेकिन इसके बावजूद भी लोगों ने इतनी बेरहमी किया कि उसकी गला दबा करके उसकी हत्या कर दी, जबकि बता रहे हैं कि फांसी है, जबकि फांसी नहीं। अगर फांसी रही होती तो उस जो छत है उस छत की उतनी हाइट ही नहीं है कि वो बच्ची इस पैर हो सकती है। पूरे परिवार के लोग दहेज के चक्कर में उस बच्ची को मारे भी है और जलाने का प्रयास किए हैं ताकि समय से हम लोग पहुँच चुके हैं। ये हालात है इन लोगों की। और ये कंधे पे उसके दाग है, पेट के बगल में उसके दाग है, कमर के पास चोट की दाग है, इस साइड उसकी चोट की दाग है, तो फिर फांसी से कैसे मर गई लड़की, ये हम लोग पूछना चाहते हैं। फांसी से बच्ची मरी कैसे है? अगर फांसी से उसको मरना होता तो फांसी लगा के मरी होती तो उसके कमर पे चोट कैसे आती, हाथ पे चोट कैसे आती, उसके सीने के यहाँ चोट कैसे आती, उसके पैर के यहाँ चोट कैसे आती, ये तमाम तरह की समस्या है सर। ये देखिए क्या बेहाल हाल इन लोगों की स्थिति हुई है। दहेज मांगते 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 उस परिवार को एकदम तोड़ दिया गया था पूरा। आज हमको दहेज चाहिए, कल हमको कुछ दे दीजिए, परसों हमको कुछ दे दीजिए, मांगते मांगते ये परिस्थिति में कर दिए थे कि आज बच्ची मांगने में घर वालों से असमर्थ हो गई और ये लोग उसको मारे पीटे। 4 दिन से उसे बात नहीं होने दे रहे थे, मोबाइल से डेली बात करती थी सुबह शाम, लेकिन 4 दिन से या तो उसकी सास या तो उसके ससुर या तो उसका पति बार बार फोन करके अभी वो नहीं है, यहाँ है वहाँ है, मारपीट के उसको बंद किए रहे होंगे या कोई ऐसी समस्या रही होगी, नहीं तो किस कारण से उस लड़की से उसके परिवार वालों से बात करने नहीं दिया जाता था। तो इस हालात में है ये परिवार, आप खुद देख लीजिए सर किस परिस्थिति में है परिवार ये। और उस लड़की को फांसी लगा करके मारा गया है वहाँ पे, आप जा करके एक बार उस बच्ची की वीडियो देख लीजिए जा करके जो बनी हुई है। इस हालात में उसको छोड़े हैं ये लोग। क्या मांग है? मांग है ये सर कि किसी हराल में उसको गिरफ्तार किया जाए और गिरफ्तार करके पूरे परिवार को जेल भेजा जाए दहेज प्रथा के मुकदमा में, और तब तक न छोड़ा जाए जब तक कि पूरा साक्ष्य नहीं मिल जाता है और ये तब तक जेल में रहे जितना बड़ा पाप किया उस पाप का ये भुक्तभोगी बने, क्योंकि आज के समाज में दहेज प्रथा के सबसे बड़ा दोषद्रोही ये परिवार हमें दिख रहा है। इस क्षेत्र में इतना बड़ी क्रूरता से किसी की हत्या नहीं हुई है जितना क्रूरता से इस बच्ची की हत्या की गई है, बहुत बेरहमी से इसकी हत्या की गई है। अगर कोई व्यक्ति देखेगा तो उसका रहम टूट जाएगा पूरा, क्या रहम होता है।
एकदम कसाई तरीके से इसकी वो मर्डर किया गया इसका, इस बच्ची का। इसलिए हम आपसे अनुरोध करते हैं कि हमारी बातों को इतना सर आप पहुंचाइए ताकि इस लड़की को न्याय मिल सके और इसके घर के इसके माता पिता को न्याय मिल सके, ताकि ये समझे कि न्यायालय और पुलिस भी कुछ हमारे लिए की है। बस यही आपसे कहना चाहते हैं सर, आप परिवार के लोगों से परिजनों से भी बात कर लीजिए और वो हालात देख लीजिए, वो स्थिति देख लीजिए।